लिंगा में है, जो कि बुरहानपुर के एकदम पास में आता है, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट का ही एरिया है। यहाँ पर ये पूरा जो हम प्लॉट देख रहे हैं रेवा फ्लोरा टिशू कल्चर है, थोड़ा सा अप डाउन है, छोटा बड़ा है। उसके पीछे रीजन कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट टेक्निकल सिस्टम वो दिखा हमें यहाँ पर। बाकी थोड़ा सा दोस्तों हम जो आज बताने जा रहे हैं, कई सारे किसानों में एक थोड़ी सी CMV को लेकर भ्रांति आ गई है, और बहुत सारे अच्छे प्लांट जैसे ये वाला जो पत्ता है ये अच्छी कैटेगरी है, इसमें कोई CMV नहीं है। पर ये सारे वीडियो और कई सारी ऐसी भ्रांति को देख देख कर लोगों ने इसको समझ लिया है, जिनके पास पूरा टेक्निकल नॉलेज नहीं है वो इसको भी CMV का नाम दे रहे हैं। तो कोशिश करें CMV का पूरा परफेक्ट पता हो कि हाँ ये CMV है, तो ही पौधा उखाड़ें। वैसे उस पौधे को भी उखाड़ने की जरूरत नहीं है, कई गुना तो हमने उसको बहुत सारा रिकवर कर लिया है। तो कोशिश करें कि इस पे ध्यान नहीं दें, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है। जैसे ये पत्ता है, ये वाला एक पत्ता है, ये CMV नहीं है काका, इस तरफ से आप निश्चिंत रहो। जैसे अभी आपने बताया कि कई सारे पत्ते जैसे एक जगह से वो जला, उसके पीछे रीजन क्या था कि जैसे उस पोंगे के अंदर थोड़ा सा पानी गया, ऊपर से धूप काफी तेज रहा, वो भाप बनने की वजह से यहाँ पे कोना जल गया। अब वो कोना जला तो लोगों ने उसको भी नाम CMV दे दिया। अभी ये जाने ना यहाँ पे पोंगा सड़ गया था पूरा। ओके, वो कहीं ना कहीं एक कीड़ा भी रहता है, वो भी हमने अभी बताया है दिखाया है। जैसे मैं आपको दिखाने जाऊंगा यहाँ पर, अभी एक ये पत्ता है इस वाले पौधे का, ये पत्ता भी हम देखते हैं ये पूरा क्लीन है, इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। पर हम पास में लाकर थोड़ा सा दिखाएंगे, यहाँ पर ये पत्ता जला हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं कुछ चोट लगी होगी या कुछ इसकी वजह से ये थोड़ा सा, तो ये CMV के लक्षण नहीं है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं इल्ली लगा हुआ था, तो ये भी CMV के लक्षण नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं पत्ते फटना मतलब उसको भी CMV नाम दिया हुआ है, तो ये पत्ता फटा हुआ तो कोई कारणवश फटा हुआ है ना, ये CMV हवा से भी फटता है, न्यूट्रिएंट्स की कुछ कमी हो जाती है उसकी वजह से भी फटता है, तो ये सारे के सारे फंगस के सिंबल नहीं है। अभी जैसे ये पत्ता मैं दिखाऊंगा, तो ये पूरा पत्ता अच्छा है, ये पूरा का पूरा ये अच्छी कैटेगरी है। यहाँ पर ये हम देख रहे हैं ये पूरा पत्ता अच्छा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, और इसको नाम बहुत सारे लोग अनजाने में CMV का नाम देते जा रहे हैं। जैसे ये नया पत्ता निकला, अभी ये पत्ता जब निकलता है तो बहुत नरम होता है काका, अब नरम होने की वजह से ये फटा है, इसमें कोई CMV का या कोई लक्षण नहीं है। जैसे अभी ये पत्ता हम देखें, तो ये पत्ता यहाँ पर पीला क्यों पड़ा, क्योंकि ये यहाँ से टूट चुका था, आपने इसमें जो बेल वाला या कुछ भी काम करा होगा तो डोरा जो चलाया होगा ये टूटा हुआ है, और टूटने के साथ साथ यहाँ पर ये जो रेसेस दिख रहा है ये क्या है, इल्ली लगा हुआ था। अब ये इल्ली लगा हुआ था, इसमें कोई लक्षण नहीं है, मतलब हमने इस प्लाट में देखा करीब करीब बहुत सारा जो आपने बताया कि उखाड़ के फेंका, कितने पौधे फेंके होंगे, 250 के ऊपर ही, 250 के ऊपर। अभी यहाँ पर मैं आपके यहाँ पर घुमाऊं तो CMV के मुझे पौधे दिखे, पर कितने दिखे, मुश्किल से 3 या 4। कितने पौधे लगे हैं अभी आपके यहाँ पे, सब 7,500। मैं आपको बताता हूँ कि जो वो पौधे देखे वो भी 100% रिकवर होंगे, है ना। तो अब कोशिश करना कि बिल्कुल भी पौधा मत उखाड़ना, अब फेंकना नहीं, पौधा उखाड़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको आपने जो जो बताया उसके हिसाब से तो CMV है ही नहीं। दिन में अच्छा हो जाएगा वो जो अभी आपने वहां पर बताया था, ये तो आपके सामने, हाँ ये जो है कितने दिन तो मैं नहीं बोलूंगा, पर धीरे धीरे ये बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। मैं ऐसा दिन नहीं होने की नहीं नहीं सब होगा, क्योंकि हम पिछले 3 सालों से CMV पे भी काम कर रहे हैं, और पिछले 3 सालों से जब CMV पे काम करा तो एक होता है कि CMV ने पूरा अटैक कर दिया, पूरा का पूरा प्लाट ही खराब कर दिया, वहां पर हम रिस्क नहीं लेते हैं, पर हम हमारी तरफ से ये जरूर बोलते हैं कि इस पौधे को उखाड़ने से कोई फायदा होगा क्या, नहीं होगा, तो इसको उखाड़ो ही मत ना अभी। अगर उखाड़ेंगे तो गेप हो जाएगी, नहीं उखाड़ेंगे तो हो सकता है इसने अगर बंच निकाला भी, सब लोगों की ये सोचना है, हो सकता है कि ये बंच वजन कम देगा, 10 किलो तो देगा, अरे 10 किलो तो देगा, 12 किलो 100 रुपए का तो पौधा बना ना, 100 रुपए का तो पौधा बना, बन गया तो कहाँ इतना खर्चा, पैसा वसूल हो गया। अभी उखाड़ के अगर फेंके, अभी अगर उखाड़ के फेंका तो 100 रुपए तो गए ना, मतलब नहीं है ना, तो उखाड़ने के अब नहीं फेंकना है काका, है ना। यहाँ पर जैसे अभी दिख रहा है, अभी एक पौधा मैं आपको और दिखाऊंगा, जैसे ये वाला जो प्लांट है, इस प्लांट को भी कई सारे लोगों ने नाम दिया है कि ये भी CMV का प्रकोप आया और इसकी वजह से इसको भी निकाल दिया। अभी ये वाला जो हम प्लांट देख रहे हैं, अभी ये क्या बोलते हैं काका इसको, अभी कई सारे लोगों से हम मिले वो बताते हैं ये भी CMV है, ये CMV है क्या,
झुक गए आपकी नजर में क्या है ये? अच्छा है, सीएमवी है। अच्छा है, अभी आपने बताया था आगे, ये सीएमवी नहीं है। जिस तरह से ये पत्ता आया था इसी तरह से ये भी आया है। ये क्यों आया? क्योंकि इसके पास जो इसको न्यूट्रिएंट चाहिए, जो इसको भोजन चाहिए, केवल वो भोजन नहीं मिला, ये उसकी वजह से ऐसा टेढ़ा आया। और इसका जो मेन रीजन है कैल्शियम नाइट्रेट है। अभी अगला जो हम ट्रीटमेंट आपको बताने जा रहे हैं वो आप जब करेंगे तो वो पूरा क्लीन होगा। ये जैसे हम देख रहे हैं अभी इसको भी ये फट रहा है ना पत्ता, ये फटने के पीछे रीजन धूप की वजह से, ये अंदर से जला, धूप लगी, इल्ली लगी होंगी, इल्ली तो नहीं है इसमें, ये धूप से ही जला है ना, ये दिख रहा है, ये जलने की वजह से हुआ है। सीएमवी के इसमें कुछ भी लक्षण नहीं है, पर लोगों ने अनजाने में सब दूर शाहपुर इधर नाचन खेड़ा सब दूर उखाड़े, हम भी देख के। काका अभी मैं पूछना चाहूंगा, अपने पास में जो भी कंपनी का पौधा लगा है कितने पौधे थे वो? कहाँ पे? वो जो आप बता रहे हैं अभी उखाड़ के पूरा प्लाट फेंक दिया है, ये आप सारोला में हाँ, कितना फेंका? 6000 प्लांट पूरा फेंक दिया। अभी आप भी बता रहे थे कहीं पे अम्बाड़ा में कि सारोला नेवरी में, कहाँ पर? नेवरी। कितना फेंका वहां पे? करीब 8000 प्लांट पूरा फेंक दिया। हो सकता है सीएमवी वहां पर हो, पर हो सकता है नहीं भी हो। एक जानकारी का पूरा अभाव ऐसा था। हाथ लगा है सर कि वो ऐसा आराम से आ जाता तो है वो। अभी इस वो उसके पीछे रीजन क्या है? जमीन में एक कीड़ा आता है, वो जमीन में वो कीड़ा आता है, सफेद कीड़ा भी आता है और एक इल्ली आती है, वो उस उसकी कॉलर कॉलर को खा जाती है, जिसको कॉलर रोड बोलते हैं, उसकी वजह से वहां पर वो पौधा खराब हुआ है, कमजोर। तो उसमें सीएमवी का कोई रोल ही नहीं है, वो सीएमवी है ही नहीं। अभी यहाँ पर आपका पौधा छोटा बड़ा जरूर है, इसके पीछे कई सारा रीजन है। एक तो आपके यहाँ पे जमीन थोड़ा सा स्लोप वाला है, पानी आप चलाते हैं, हो सकता है वो जाता नहीं है, अभी बारिश है तो पानी चलाया नहीं है, पर इसको जो भोजन चाहिए, जब दो तीन बार चलाया है, अभी इसको भोजन जो चाहिए, अभी हम जो बताएं आप उसको पूरा भोजन दीजिएगा। काका एक बार आपका पूरा परिचय दीजिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मधुकर मारू सबकारी। अच्छा, कौन सा गांव है ये? लिंगा। लिंगा कहाँ पे आता है? ये बुरहानपुर, बुरहानपुर जिले में आता है, मतलब एकदम अभी ताप्ती नदी के पास में है। अभी हम लोग नाव से निकल कर आए हैं आपके यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगा। और हाँ, ताप्ती नदी में बहुत अच्छा लगा। बाकी आपके यहाँ पे काका ये पूरा प्लांट कौन सी कंपनी का लगा हुआ है? रेवा फ्लोरा। कहाँ की कंपनी है ये? बड़वानी, अंजड़ बड़वानी ना, ठीक है। तो अभी किसान मित्रों, मैंने आपको जो अभी तक बताया है कि यहाँ पर ऐसा कोई सा भी प्रॉब्लम नहीं है कि सीएमवी के कोई लक्षण हो, जिसे आपने अभी देख लिए हैं, इसमें एक भी लक्षण सीएमवी के नहीं है। तो कोशिश करना है आगे से हमें अनजाने में पौधे नहीं उखाड़ना है, क्योंकि आपने एक भी पौधा उखाड़ा मतलब सीधा सा है 100, 150 या 200, जो भी भाव रहेगा उसके हिसाब से आपको नुकसान होगा। अभी ये खराब हो गया दिन से, अगर आपको लगता है कि इस पौधे में कोई परेशानी आई है तो हम बैठे हैं ना, हमसे संपर्क करो आप, उसमें अगर कोई ऐसी परेशानी होगी तो हम उसका सोल्यूशन निकाल देंगे। और कॉल करो क्या आप, तो महीने में एक वीडियो बनाओ और हमें भेजो आप, ठीक है। अभी हमारे पास से वो सारी सुविधा हमने शुरुआत करी है उसकी, बहुत अच्छे से जो काफी सारा चल भी रहा है और लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, जिसकी वजह से हम जो अनजाने में बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। मैं तो घबर गया, मतलब कैसा क्या रोप लगा दिया, अभी दूसरी बार लगा, आगे देखेंगे भाई लगाते कि नहीं। अभी आपने वहां पर बोला था जो हमने इसमें नहीं लिया था सेशन में, तो कुछ किसान या फिर आपके मित्र या क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे क्या कि रोप है तुम्हारा फेल हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा, घबरा है लोगों ने मेरे को घबराया, लोगों ने ऐसा बोला आपको? बोले वो रोप अच्छा था तेरा अजीत का, अच्छा जो भी कंपनी का। पर आखिरी में उखाड़ना पड़ा क्या? नहीं, वो नहीं उखाड़ा मैं, वो भी अच्छा है ना, अच्छा था। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि सीएमवी का हमारे यहाँ प्रकोप ये नहीं पहली बार देखा हमने, ये रेवा पहली बार देखा। हाँ, क्योंकि इधर आया ना पहली बार, रेवा आया था एक बार आया था, कैसा रहा? अच्छा था। अब जब अच्छा रहा, 25 की रासई पर अच्छा रहा, और लोगों ने बोला आपको दूसरी बार में कि आप कौन सा पौधा लगा लिया, तो आपका यही निवेदन है कि भैया मैंने पहले लगा लिया है, मैंने देख लिया है, रेवा अच्छा है, देखा था तो मैंने डबल से लगा। लोनी बादरपुर में देखा अभी था, आज हम लोग एक फील्ड पे होकर आए, एक पौधा भी वायरस का नहीं है, कोई सीएमवी नहीं है, नहीं, पास के खेत का सारा उखाड़ दिया है, पर रेवा के फील्ड में एक भी पौधा सीएमवी का नहीं निकला, मतलब ये एक बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं किसान का भी अनुभव रहा, उन्होंने उसकी प्रैक्टिस भी अच्छी करी, उसके ऊपर फर्टिगेशन, उसका ट्रीटमेंट, वो सारा सब कुछ करा, हमसे सलाह लेते रहे,
तो आज उनका प्लाट बहुत अच्छा बना हुआ है। अभी 3.5 महीने का प्लॉट है, हम लोग उसमें हाथ भी ऊंचे कर देंगे तो भी नहीं वो रही भाई करता है हमारा बराबर रही भाई बुरहानपुर बुरहानपुर। तो ऐसे कई सारे किसानों से हम मिलकर आए हैं और जहां पर एक भी जगह समस्या नहीं दिखी है, मतलब कहीं कहीं पर है पर वो भी रिकवर हो चुका अभी है। अभी ये कम क्यों दिख रहे हैं, अभी मैंने 2-3 दिन से चालू ही है लगातार फेंकना, अभी बस फेंकना कम है। अब नहीं है ना, आप फेंकना मत बिल्कुल भी, अभी जब भी 10 झाड़ है मेरे नहीं, ये जितना भी आपने फेंका अब मत फेंकना। हमारा यही निवेदन है कि ये भी सारा का सारा रिकवर होगा। थोड़ा सा वहाँ पे भी 2 झाड़ वो बड़ी बड़ी टिके ले ना, अपन जो अभी ट्रीटमेंट और शेड्यूल आपको प्रोवाइड करेंगे उसके हिसाब से अगर आप चले गए तो सारे झाड़ कवर हो जाएंगे। आओ इधर देख कर, टोटल 8,000 प्लांट है ना काका? हाँ। वो दो थे सर, इसके लिए मेरे मतलब दो कैसे निकल गया ना, बारीक पौधे थे। किसान मित्रों, अभी हम जिस एरिया में फिर से आए हैं, यहाँ पर मिट्टी का थोड़ा सा चेंज हुआ है और यहाँ का पानी का स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा अच्छा है। हो सकता है जैसे अभी जिस पार्ट में ये लगा है एक ही दिन, ये लगा है सेम डे लगा हुआ है और सेम टाइम में लगने के बाद भी आपने देखा कि यहाँ से उधर का पार्ट जो है वो थोड़ा छोटा है और यहाँ पर पूरा एक लेवल का है। इसके पीछे मेन रीजन निकल कर आया है कि इसके अंदर जो पानी, इसका जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा प्रॉपर नहीं हो पाने की वजह से केवल अपडाउन रहा। बाकी अभी हम पूरा यहाँ पर थोड़ा सा एनर्जी लगाने वाले हैं जिसकी वजह से इसको फिर से पूरा अच्छा कर लेंगे। तो धन्यवाद।